तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई, क्या होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो लिविंग में होती है और सारे लिविंग में होना चाहिए, अगर किसी लिविंग में नहीं है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये कोई चैप्टर नहीं है, आप अपना करेक्टर खुद देख लीजिए, ठीक। लेकिन अपना वही करेक्टर डिफाइनिंग करेक्टर मानिएगा जो सब में हो, अगर किसी में नहीं होगा तो डिफाइनिंग करेक्टर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करेक्टर पक्का पक्का। चलिए तो लिविंग वर्ड, और रटने कोशिश मत करो, समझने कोशिश करो। तो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पहले चैप्टर में? अच्छा सर ने एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ाया था ना, फ्री हैंड तो नहीं पढ़ाया था? फ्री हैंड नहीं पढ़ना भाई, समझ लो वही गलती हो गई, फ्री हैंड पढ़ा, नोट्स बनाया, सिलेक्शन गया। क्योंकि पेपर के एक दिन पहले सर के नोट्स पढ़ोगे फिर किताब पढ़ोगे, गलती मत करना। और एक दो दिन में आप लोग अंसार और ले लो, अभी आ जाएगा, बात करते हैं। जब लिविंग वर्ड हो जाए तो उसके क्वेश्चन कर लेना। और हमारी क्वेश्चन की बुकलेट है कि नहीं है? कितने बच्चों के पास नहीं है? वो कंपल्सरी ले लीजिए स्टडी मटेरियल में, क्योंकि एक पेज पढ़ोगे ना तो उसमें हर पेज से ऑब्जेक्टिव सवाल बने, हर लाइन से ऑब्जेक्टिव बने, तो जब उसके क्वेश्चन लगाओगे तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो प्लीज डोंट मेक एनी नोट्स एंड एनी रजिस्टर फॉर बायो, उसी किताब में निशान लगा लेना, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, साल भर हम लोग सांप को मारते हैं और नागपंचमी वाले दिन उसी को दूध पिलाते हैं। जब तुम्हें अल्टीमेटली एनसीईआरटी रिवाइज करके जाना है तो तुम कुछ और नोट क्यों कर रहे हो? ये धीरे धीरे दो साल में इतना कबाड़ा हो जाएगा तुम्हारे पास ना कि समेट नहीं पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके समझने के लिए कुछ कर लो। अच्छा यूपी बोर्ड कितने बच्चे हैं? तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे एक काम करेंगे कि जहां भी टफ वर्ड है, क्योंकि अंग्रेजी में थोड़ी बहुत टफ लिखी है बायो की एनसीईआरटी में, हमें भी कभी कभी दिक्कत होती है, तो बच्चों से पूछ लेते, जेके वाले ना बहुत तेज होते हैं, ठीक है? तो उसको बेटा अंडरलाइन कर लेना और उसका मतलब समझना। एक मूल मंत्र बता रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं, ठीक। अंकित सर थोड़ा सा 11th के बैच का हम लोग अनाउंसमेंट कर दें। जी सर। तो ये हमें लगता है हमारा 11th का बैच है, फर्स्ट बैच है। तो इस बैच का नाम क्या है? संकल्प। लिख दीजिए, कब से शुरू हो रहा है? सर आज से ही स्टार्ट हुआ है। दूसरा बैच कब से शुरू कर रहे हैं हम लोग? संभव सर 14 से, 14 से। डेट लिख दीजिए। तीसरा बैच है प्रयास। ये स्टार्ट कर रहे हैं 21 से, ठीक है। तो दो बैच और हम लोग बच्चों को स्टार्ट करेंगे। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, क्लासेज आपकी 5 दिन होंगी, संडे को आपकी छुट्टी होगी और मंडे को आपका टेस्ट होगा जितना भी पढ़ाया गया होगा, क्लियर। हर मंडे को आपका टेस्ट होगा जितना भी पढ़ाया गया होगा। तो अभी ये टेस्ट फुटकर होगा, फिर बाद में आपको प्रॉपर शेड्यूल बना के दे देंगे। और हमें लगता है आपको क्लासेज मिल गई होंगी, किस दिन कौन सी क्लास होगी, और ऐसा कुछ नहीं मिला कितना पढ़ाया जाएगा, किस दिन क्या कराया जाएगा, ये नहीं मिला ना? मिला है तो उतना पूरा हो रहा है जितना बताया गया है। अरे भाई तुम लोग ऐसे ऐसे जोर से बोलो। तो बायो में दिया गया था क्या पढ़ाया जाएगा आज? लिविंग वर्ड चैप्टर दिया गया था ना, कितने पेज पढ़ाए गए ये नहीं कुछ दिया गया था। हाँ तो अभी ये काम करना है, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही फिजिक्स, कैफे सर बनवा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, करो। हमारा नंबर होगा सबके पास, फोन नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया आप लोगों के? अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए आप लोग, और बाकी अंकित सर को बताइए, ये आपके कोऑर्डिनेटर भी हैं क्लास के, ठीक है। थैंक यू।